वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। एंड आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर कूर बाय लोकेश अब्रोल। सो अगर हम ऑथर की बात करते हैं लोकेश अब्रोल, तो बेसिकली ये एक डॉक्टर भी हैं, एक राइटर भी हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे वो कोई स्टोरी नहीं बता रहे। सो इस चैप्टर में एक छोटी सी जगह के बारे में बता रहे हैं जो कि कर्नाटका में है। एंड उसका नाम क्या है? उसका नाम है कूर्ग। सो ये जगह, इसके लोग, किस तरीके का इसका एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है उन्होंने इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इतने ब्यूटिफुली उन्होंने इस जगह को डिस्क्राइब करा है वही हमें ध्यान में रखना है। सो चलिए इसकी समरी शुरू करते हैं। तो ऑथर शुरू करते हैं बताना, एंड ये बहुत ही ब्यूटिफुली बताते हैं कि ये जो छोटी सी जगह है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? कूर्ग। एंड कहाँ पे? कर्नाटका में। तो ये उसकी बात है, उन दोनों के बीच में ये प्लेस्ड है। और ये बताते हैं कि ये जो जगह है ये तीन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट चीज़ है यहाँ के एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सेकेंड चीज़ है कॉफ़ी प्लांटेशन, एंड थर्ड चीज़ है यहाँ के मार्शल मैन। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये जो जगह है वो फेमस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पाइसेस, ब्यूटीफुल वुमेन, ये सारी चीज़ों के लिए ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये बताते हैं कि ये जो छोटी सी जगह है इतनी ब्यूटीफुल है कि ऐसा लगता है कि ये हेवन से ही, दैट मीन्स किंगडम ऑफ गॉड से ही ड्रिफ्ट होके अर्थ पे आई है, मतलब इतनी ब्यूटीफुल है ये। फिर वो यहाँ पे हमें बताते हैं कि मॉनसून सीजन में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए विजिटर्स काफ़ी दूर रहते हैं, यानी कि विजिटर्स आते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो अच्छा सीज़न है या इस जगह को जो विजिट करने के लिए बेस्ट सीज़न है वो शुरू होता है, या इट कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड लास्ट करता है टिल मार्च। तो ये जो जगह है उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लगती है, हल्की हल्की कभी कभी बारिश भी होती है, एंड उसकी वजह से जो कॉफ़ी प्लांटेशन है वो ब्लूम करने लग जाती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इनफैक्ट ये बताते हैं ये जो जगह है इसका 30% ऑफ जो एरिया है वो रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है, मतलब कि ये जो जगह है डेफिनेटली काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी ब्यूटिफुल है। तो ये तो उन्होंने यहाँ पे जगह की बात करी, अब वो यहाँ पे आते हैं यहाँ के लोगों के बारे में। अब लोगों के बारे में कहते हैं वो कि बेसिकली दो थ्योरीज हैं, या तो इस जगह के जो लोग हैं वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम ग्रीक डिसेंट, या फिर वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम अरब डिसेंट। अब दोनों के लिए ही उन्होंने अपनी अपनी जस्टिफिकेशंस दी हैं। सो ग्रीक डिसेंट के लिए वो अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बहुत टाइम पहले अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो इस एरिया में आई थी, एंड क्यों? क्योंकि उनको इंडिया से बाहर निकलना काफ़ी इम्प्रैक्टिकल लग रहा था, या एक तरीके से उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो लोग यहीं पे इस्टेब्लिश होने लगे। अब कैसे? बेसिकली मैरिजेस हुई यहाँ के लोकल लोगों के साथ, दे गॉट मैरिड, एंड इसी तरीके से उनकी जो फैमिली थी वो यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो एक तो जस्टिफिकेशन वो इसीलिए देते हैं कि बिकॉज वहाँ के लोग, एंड अलेक्जेंडर कहाँ से बिलोंग करता था? ग्रीस से बिलोंग करता था। सो दैट इज़ वाई ही इज़ सेइंग कि वो जो लोग ग्रीक डिसेंट के इसीलिए हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो उसकी आर्मी थी वो भी यहाँ पे आके सेटल हुई थी, दे गॉट मैरिड विद लोकल पीपल। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ वो ये बोलते हैं। अब अरब के लिए यहाँ पे वो कुछ डिटेल्स देते हैं, एंड क्या है वो डिटेल्स हम अभी देखते हैं। बेसिकली वहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो एकदम सिमिलर है टू देम, एंड उसके लिए उन्होंने छोटी सी डिटेल दी है, वो मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ। सो यहाँ पे छोटी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कूर्ग को वो यहाँ पे कोडागू भी कहते हैं, एंड यहाँ के लोगों को वो कोडावूज भी कहते हैं। सो ये जो दो वर्ड्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। तो वो कह रहे थे कि ये जो अरब डिसेंट है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वो कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक ट्रेडिशनल लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जिसके ऊपर वो एक वेस्ट बेल्ट बांधते हैं, दैट इज़ एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब कि उस पर एम्ब्रॉयड्री बनी हुई है। ठीक है, एंड उसको ये क्या कहते हैं? उसको ये कहते हैं कूपिया, जो बेसिकली रिजेंबल करता है अरब की ड्रेस को, जिसको वो लोग कहते हैं कूफिया। तो इस तरीके से जो इनकी क्लोदिंग में आप कह सकते हैं सिमिलैरिटी है, या जो रिजेंबलेंस है, इस तरीके से हम कह सकते हैं वो लोग अरब डिसेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमें ये भी बताते हैं कि क्योंकि इनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो थोड़े कल्चर है इनका,
वो हिंदू कल्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसीलिए हम यहाँ से ये डिफरेंस देख सकते हैं कि उनका जो डिसेंट होगा वो डिफरेंट है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे वो वहाँ के लोगों के बारे में क्या बताते हैं, चलिए समझते हैं। सो अब ऑथर बताते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी फेमस है फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। अब हॉस्पिटैलिटी मतलब कि जो भी वहाँ पे कोई भी इंसान आता है, चाहे वो घूमने के लिए आए चाहे वो ठहरने के लिए आए, तो ये उन लोगों का काफ़ी होल हार्टेडली वेलकम करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे होस्ट हैं। एंड यहाँ के जो फैमिली है वो अपने फादर, अपने सन्स, अपने ब्रदर्स की जो प्राउड स्टोरीज हैं उनको सुनाने में काफ़ी अच्छा फील करते हैं। अब यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये जगह किन चीज़ों के लिए फेमस है, स्पेसिफिकली मार्शल मैन के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, है ना। तो यहीं पे वो बताते हैं कि इंडियन आर्मी में जो कूर्ग रेजिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड या आप कह सकते हैं सेलिब्रेटेड रेजिमेंट है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी सारे रेजिमेंट सेलिब्रेटेड नहीं है, बट कूर्ग रेजिमेंट थोड़ी स्पेशल क्यों है, इसीलिए क्योंकि इंडिया के जो फर्स्ट चीफ थे ऑफ द आर्मी वो थे जनरल कैरियाप्पा, जो कि बेसिकली थे या बिलोंग करते थे फ्रॉम कूर्ग। एंड यहाँ के लोग ही सिर्फ ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको परमिट किया जाता है विदाउट लाइसेंस फायर आर्म्स को कैरी करना। तो इस तरीके से इंडिया कूर्गी रेजिमेंट या कूर्ग के लोगों को सेलिब्रेट करती है। तो यही बताते हैं वो हमें इसमें कि इस तरीके के लोग हैं वो, नो डाउट कि वो दिल के भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रेव भी हैं। सो अब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि बेसिकली इंडिया इन लोगों को या कूर्गी जो पीपल हैं उन लोगों को कैसे सेलिब्रेट करती है, कैसे रिकॉग्नाइज करती है। तो उसमें आपको यही आंसर लिखना है कि फर्स्टली यहाँ के जो इंडिया के फर्स्ट चीफ थे ऑफ इंडियन आर्मी वो कौन थे, जनरल कैरियाप्पा, जो कि बेसिकली कौन थे, वो थे एक कूर्गी। एंड सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ के ही लोग ऐसे लोग हैं इन इंडिया जिनको परमिट किया जाता है या अलाउ किया जाता है फायर आर्म्स को कैरी करना या वेपन्स को कैरी करना विदाउट एनी लाइसेंस, ठीक है। सो यही बात आपको उसमें भी लिखनी होगी। तो यहाँ तक तो वो बताते हैं कि कैसी वो जगह है, कैसे वहाँ के लोग हैं, उनका डिसेंट क्या है। अब वो बताते हैं यहाँ की सराउंडिंग्स के बारे में। एंड सराउंडिंग्स के बारे में वो बताते हैं कि जो रिवर कावेरी है उसको अपना जो वाटर है डेफिनेटली हिल्स से तो मिलता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनको उसको बेसिकली जो कूर्ग के जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ से भी जो अपना पानी है वो मिलता है। देन वो बताते हैं कि जो एक बहुत ही बड़ी फिश होती है जिसका नाम होता है महासीर, राइट, तो वो भी इसी के अराउंड जो वाटर है उसमें पाई जाती है। एंड फिर वो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिनेरियो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से जो किंगफिशर बर्ड है वो डाइव करती है अपना जो प्रे है या जो फिश है उसको पकड़ने के लिए, जो स्क्विरल्स हैं वो मिस्चीवियसली खेलती हैं, पार्शली खाती हैं फ्रूट को, आपने भी देखा होगा, एंड नीचे गिर देती हैं, है ना। सिमिलरली जो लंगूर्स हैं, जो मंकीज हैं, वो भी क्या करते हैं, फ्रूट को खाते हैं या स्टोन जो होता है उसको फेंक देते हैं वाटर में, एंड जैसे ही उसको वाटर में फेंकते हैं उससे रिपल्स फॉर्म हो जाते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि इन चीज़ों की वजह से ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और हो जाती है। सो देन ही टेल्स अस कि ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी लेजी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ के अगर वो एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि कनूइंग हो गया, रैपलिंग हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जैसे माउंट क्लाइंबिंग हो गया, इन सब चीज़ों में अगर वो यहाँ पे आके इन्वॉल्व हो जाए तो डेफिनेटली वो भी एक हाई एनर्जी लाइफ को लिव कर सकता है। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो लेड बैक लोग होते हैं वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू हाई एनर्जी लाइफ, उनकी लाइफ भी हाई एनर्जी होती है जब ये सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे एडवेंचर्स जो है वो करते हैं। देन वो बताते हैं कि जब लोग यूजुअली नेचर में ट्रेल कर रहे होते हैं या घूम रहे होते हैं, इस जगह को देख रहे होते हैं, तो उनके साथ साथ उनको बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे एनिमल्स हैं वो भी अकंपनी करते हैं, जैसे कि लंगूर्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, स्क्विरल्स हो गई, एंड उसके साथ साथ सारी की सारी ग्रीनरी एक बहुत ही अच्छा जो सिनेरियो है, बहुत ही अच्छा जो व्यू है वो प्रोवाइड करती है। सो अब यहाँ पे वो कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में बताते हैं जो मैं आपके लिए अभी लिखने वाली हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑथर कहते हैं किस तरीके से बीज, मालाबार स्क्विरल्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, ये सारे के सारे आपको अकंपनी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। कुछ जगह यहाँ पे उन्होंने लिखी है उनका, तो वो कहते हैं व्हेन यू क्लाइंब अप द ब्रह्मगिरी हिल्स तो आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलता है।
अब ये तरह का व्यू आपको तभी मिल सकता है जब आप किसी हाइट पे हो। तो ये व्यू क्या होता है, पैनोरामिक व्यू क्या होता है? बेसिकली बहुत बड़ा सा आपको वाइड लैंड नज़र आता है, बहुत दूर तक, जितना दूर तक आप देख सको। तो एक बहुत ही वाइड एरिया ऑफ लैंड का व्यू आपको तभी मिलेगा जब आप एक हाइट पे होगे। तो वो जो व्यू है आपको नज़र आता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट वो बताते हैं वहाँ पे एक रोप ब्रिज है, अगर आप उसके अक्रॉस वॉक करोगे देन यू विल रीच दिस निसारगाधामा आइलैंड जो बेसिकली 64 एकड़ का है। तो ये एक बोनस पॉइंट हो जाएगा, तो आप नई नई जगह जाके घूम सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमें बताते हैं कि वहाँ पे अगर आप देखोगे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है वहाँ से जो मॉनेस्ट्रीज है वो कहते हैं कि इंडिया की लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट जो है वो कुछ दूरी पे आपको दिखने को मिल जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड बायलाकुपे। तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे मॉन्क्स हैं, आपने देखा होगा किस तरीके के रोब्स पहनते हैं, है ना, मस्टर्ड एंड मेरून कलर के जो रोब्स हैं वो पहने में मिलते हैं। एंड उनके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जाके वो अपना हार्ट, अपना सोल वहाँ पे बैठ के आराम से इन नेचर उसको सर्च करते हैं। तो जो विजिटर्स हैं दे कम हियर टू सर्च देयर हार्ट एंड सोल। सो यहीं पे वो जो इस छोटे से चैप्टर है, इस छोटे से नैरेटिव है, उसको एंड कर देते हैं। सो ये तो थी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकेंड पार्ट, कूर्ग की समरी। हमने देखा ऑथर कितने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं इस जगह को, कि ये जगह कितनी ही ज़्यादा सुंदर है, उसका नेचर, उसके जो लोग हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तभी ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं फेवरेट टूरिस्ट प्लेस भी है। सो ये तो थी इसकी समरी। अब अगर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो इतने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं पूछे गए हैं, तो आपको ज़्यादा इस चैप्टर को रटना नहीं है, जस्ट आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है आपके बोर्ड्स में वो यही था कि यहाँ पे विजिट करने के लिए बेस्ट सीज़न कौन सा था या क्या डिस्क्राइब किया उन्होंने। तो आपको लिखना है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर एंड एंड्स टिल मार्च। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है इनके डिसेंट के बारे में, कि उन्होंने टू थ्योरीज दी थी, एक अरब और एक ग्रीक डिसेंट के। अरब के मैंने आपको बताया उनके जो क्लोथ्स हैं कूफिया, जो कि रिजेंबल करते हैं कूफिया, जो कि कौन पहनते हैं, अरब्स। एंड सेकेंडली क्या बताया था मैंने आपको, ग्रीक का, कि जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पे सेटल हो गई थी, दे मैरिड लोकल पीपल, एंड इसी तरीके से शायद इनका जो डिसेंट है वो ग्रीक भी हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनके रिचुअल्स हैं, कल्चर है, थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम हिंदूज। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से अभी तक आए हैं। सो इतने ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ज़्यादा आपको इसको डिटेल में नहीं स्टडी करना। So that's all for this video. Now until the next video, keep practicing, keep learning. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.